हे गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आशा सिंह के बारे में। आशा सिंह की बात करें तो जब से गुम है किसी के प्यार में शो की सीजन 2 स्टार्ट हुआ है, जब से उनकी एग्जिट हुई है तब से लगातार फैंस डिमांड कर रहे हैं आशा सिंह के न्यू प्रोजेक्ट को लेकर। आपको बता दें, शिव शक्ति शो जब स्टार्ट हुआ था तो इस शो का उनके पास ऑफर गया था, लेकिन कुछ रीजन की वजह से वो वहाँ पर वर्कआउट नहीं किया मामला और फिर वहाँ पर वो नज़र नहीं आ पाई। उसके अलावा बात करें तो आशा सिंह के नाम के लेकर चर्चा ज़्यादातर चल रही है नागिन सीजन 7 को लेकर। मतलब नागिन सीजन 7 में एकता कपूर अपनी नागिन के रूप में कहीं ना कहीं आशा सिंह को देखती हैं, यही वजह है कि उनके नाम को लेकर भी चर्चा चल रही है। और इससे पहले प्रियंका चौधरी को लेकर चर्चा चल रही थी, तो आप जानते ही होंगे। सो आशा सिंह यहाँ पर परफेक्ट चॉइस रहेंगी, नो डाउट, लोग देखना चाहते हैं उनको। और बात करें तो उनके न्यू प्रोजेक्ट को लेकर बातें भी सामने आ रही हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो नागिन सीजन 7 ही होने वाला है, उनका अदर प्रोजेक्ट भी हो सकता है। सो किस प्रोजेक्ट में वो नज़र आने वाली हैं जानने के लिए फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। आपको बता दें, बैक टू बैक जिस तरीके से एक्टर्स नज़र आते हैं म्यूज़िक एल्बम के ज़रिए, तो वैसे ही आपको बता दें आशा सिंह के न्यू म्यूज़िक वीडियो को लेकर भी खबरें सामने आ रही हैं। कयास भी लगाए जा रहे हैं कि शायद उनका कोई न्यू म्यूज़िक एल्बम रिलीज़ होने वाला हो। न्यू की क्या बात करें, अभी तक उनका कोई भी म्यूज़िक एल्बम देखने को नहीं मिला है फैंस को, जबकि आज के टाइम पर ये बहुत ज़्यादा ईजी है। जिस तरीके से फैंस की डिमांड रहती है उस तरीके से उनके हाईएस्ट TRP के लिए मेकर्स कास्ट करते हैं अपने म्यूज़िक एल्बम में नंबर वन एक्ट्रेस को या नंबर वन एक्टर को। तो जिस तरह से आशा सिंह की डिमांड चल रही है उसके चलते देखा तो आशा सिंह का म्यूजिक वीडियो कब का रिलीज हो जाना चाहिए था, पर अभी तक देखने को नहीं मिला है। सो इसी बात को लेकर चर्चा चल रही है, इसी बात को लेकर खबरें सामने आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं खबरों में ये सच्चाई है कि आशा सिंह का न्यू प्रोजेक्ट आने वाला है। प्रोजेक्ट क्या होने वाला है, सच में कोई म्यूजिक वीडियो ही होने वाला है या फिर कोई वेब सीरीज के जरिए नजर आने वाली है या फिर अगेन कोई डेली शो होने वाला है, तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, नील और आशा की जोड़ी को लोग हमेशा से ही पसंद करते हुए आए हैं, पर क्या नील और आशा की ही जोड़ी देखने को मिलेगी या फिर यहाँ पर नई जोड़ी देखने को मिलेगी, ये तो देखना बनता है। नील भट्ट की बात करें तो बिग बॉस में नज़र आ रहे हैं और शायद ही आशा सिंह के साथ वो देखने को मिले, मतलब कि चांसेस यही हैं कि आपको नई जोड़ी देखने को मिलेगी। सो क्या कुछ कहना है आपका, कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर करना ना भूलना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।